हरी प्रभु के चरणों में जा मेरा देही और उनकी आत्मिक शांति के लिए उनके सुपुत्र उनके बड़े बेटे सुमन अग्रवाल जी और छोटे बेटे प्रमोद अग्रवाल जी उन्होंने इस शोक सभा का आयोजन करवाया है और हम सभी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु के आगे। और आइए प्रभु के चरणों में एक प्रार्थना को श्रवण करते हैं और अपनी चित्त वृत्तियों को एकाग्र कर उनके लिए प्रार्थनारत हो। आइए श्रवण करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय। हे नाथ अब तो अंततः उसे पता चल गया, उसे बोध हो गया, अपनी भूल का एहसास हुआ और आकर के महात्मा बुद्ध जी के चरणों में गिर पड़ी। रोने लगी, क्षमा याचना की, प्रभु क्षमा कीजिए, सत्य तो ये है कि मृत्यु से कोई भी मुक्त नहीं हो सकता। ये एक ऐसा पाश है जो सभी को बांधता है और आपने मेरा आज इससे परिचय करवा दिया। मुझे कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जहां पर मृत्यु ना हुई हो, इसलिए आप क्षमा कीजिए मुझे। मैंने ऐसी दृष्टता की, मैंने ऐसी अपेक्षा की आपसे, क्षमा कीजिए। जो आप ज्ञान मुझे देना चाहते थे वो ज्ञान मुझे हो गया है। महात्मा बुद्ध जी मुस्कुराए, उन्हें परमात्मा की भक्ति का अनुदान दिया, साक्षात्कार करवाया उनके घट में और वे प्रसन्न चित्त वहां से लौट आए। भक्तजनों, ये दृष्टांत सुनाने का तात्पर्य क्या है कि ये जीवन, इस जीवन की सत्यता क्या है, इस जीवन का रहस्य क्या है? एक ही रहस्य है कि ये जीवन हमें परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है। हम मुसाफिर बन के आए हैं और हमारी मंजिल है परमात्मा को पाना, परमात्मा की भक्ति करना। लेकिन मन इस तन को धारण करने के पश्चात उस परमात्मा को भूल जाता है, अपने वास्तविक लक्ष्य को भूल जाता है, अपने डेस्टिनेशन को भूल जाता है और इसी कारणवश मानव चिंतित हम उनको विवेकी नहीं कहते जो सत्य पथ को अपना ना सके। महापुरुष कहते हैं जो जीवन को मुक्त नहीं बना सका हम उसे विवेकी नहीं कहते। वो जीवन क्या, वो जीवन व्यर्थ है। इसलिए भक्तजनों, उस परमात्मा को प्राप्त कर हमारे हृदय को परम शांति, परम आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि हमारी जीवात्मा परमात्मा की ही अंश है। भगवान श्री कृष्ण गीता पूरा करूंगा। सबसे पहले तो मैं ही कहूंगा कि बलदेव अग्रवाल जी की जो पर्सनैलिटी थी, उनकी जो विल पावर थी, उसका कोई सामने नहीं था। लुधियाना अग्रवाल कोऑपरेटिव सोसाइटी के वो फाउंडर थे लाला पूर्णचंद गुप्ता जी के साथ और हमारे वहाँ के प्रधान भी हैं।
साथ साथ वो डेगोर पोर्ट स्कूल और जितनी भी संस्थाएं हमारे श्री रघुनाथ मंदिर है, शिव मंदिर है, उनके साथ जुड़े हुए थे और श्री रघुनाथ हॉस्पिटल के एग्जीक्यूटिव मेंबर थे। खाली मेंबर होना ही एक अलग बात है, लेकिन उसमें अपना समय देना एक दूसरी बात है। मुझे याद है अग्रवाल सभा शिवाला रोड पे, जहाँ पे अग्रवाल धर्मशाला भी है, उन्होंने 40 साल से मैं देख रहा हूँ, उन्होंने इतनी सेवा अग्रवाल सभा की है कि शायद उसका कोई सानी नहीं है। कभी किसी लड़के की लड़की की शादी के बारे में कोई चर्चा हुई हो तो ये अमृत बलदेव जी सबसे आगे होते थे कि उनका हमेशा योगदान हमेशा ही रहा है। तो उनके परिवार में उनकी पुत्र वधु मंजू जी और पुत्र सुमंत अग्रवाल जी, पुत्र वधु कविता जी और प्रमोद अग्रवाल जी, और पोत्र दीपांशु अग्रवाल और ईशान अग्रवाल जी, और बेटियां और दामाद श्री प्रवीण मति और विनय अग्रवाल जी, श्रीमती अनीता जी और अशोक गुप्ता जी, श्रीमती गीता हरीश अग्रवाल जी, और पोत्र बेटियां सजुला और कुणाल खुराना जी, इनायत और नीतीश गर्ग जी, समृद्धि जी और आशीष मिगलानी जी, ये सभी परिवार के सदस्यों को उनके जाने का जो दुख हुआ है वो मैं तो आपको बयान नहीं कर सकता। लेकिन हम जो आपके यहाँ पर जितने भी परिवार के लोग के अलावा उनके दोस्त रिश्तेदार बैठे हैं, उन सभी को उनके जाने का बहुत ही दुख हुआ है। तो कुछ कंडोलेंस मैसेज, शोक प्रस्ताव हमें स्थान दें और उनके परिवार को इस दुख से सहने की शक्ति दें। धन्यवाद। धियो यो न प्रचोदया ओ Thank you.
जाने न पाए यह मन न जाए।
ऐसी दया हो जीवन तेरा अर्थ जाने ना पाए। हे प्रभु, हे ईश्वर, इतनी दया, इतनी कृपा करना कि मेरा ये जीवन व्यर्थ ना चला जाए, ये निरर्थक ना हो जाए। ये प्रत्येक उस भक्तात्मा की पुकार होती है उस परमात्मा के आगे, उस परम सत्ता के आगे। निरर्थक का भाव क्या है? व्यर्थ हो जाना। अब जीवन व्यर्थ कब होता है? जब हम उसकी सत्यता को जानते नहीं है, उसकी सत्यता से परिचित नहीं होती जीवन के पास, तब तक हम उसे व्यर्थ गवाते हैं। एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास जाता है और उनके पास जाकर के प्रश्न किया, महात्मन महानुभाव, अब बताइए जीवन का अर्थ क्या है? जैसे ही यह बात संत ने सुनी, वह कहने लगे, अर्थ जानना चाहते हो? तो वास्तव में जीवन एक अवसर है, एक मौका है, इसे अर्थ देना और व्यर्थ बनाना ये तो तुम्हारे हाथ में है। जीवन एक मौका है, एक अवसर है, सत्य है। प्रत्येक मानव को, प्रत्येक जीवात्मा को परमात्मा ने यह बहुमूल्य तन दिया जिसे सृष्टि का सिरमौर कहते हैं, सुप्रीम क्रिएशन कहते हैं। उस परमात्मा ने मानव तन दिया जिसे दुर्लभ भी कहा जाता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथिन गावा, साधन धाम मोक्ष द्वारा पाइना जाए प्रलोक सवारा। हमारे महापुरुषों ने कहा, सौभाग्य की निशानी होती है बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सौभाग्य का उदय है मानव तन का मिल जाना, सौभाग्य की निशानी है। और ये साधन है मोक्ष द्वार तक पहुंचने का, मुक्ति के द्वार तक पहुंचने का। इसलिए इस जीवन में उस परमात्मा को जानना ही अनिवार्यता है, हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, हमारा लक्ष्य यही है, हमारे जीवन की सत्यता यही है। किंतु आप सभी जानते हैं, भले ही ये जीवन असत्य और मृत्यु सत्य है, किंतु फिर भी निरंतर अगर मानव की गति को देखा जाए तो मानव की गति, मानव की मनोदशा वह क्या होती है? इस असत्य जगत को सत्य भासित करना, इस ब्रह्ममय संसार को वास्तविक समझना, संसार में सब कुछ अपना बनाने की इच्छा, बेहताश। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? बहुधा मानव अपने जीवन के हेतु को, अपने जीवन के लक्ष्य को पहचानता नहीं है, समझता नहीं है। अब इस संसार को ही सत्य समझता है, इस संसार के अंदर ही नित्य प्रति अपना जीवन यापन करता है, श्वास प्रति श्वास
हमारा वेस्ट होता जा रहा है, हम गवाते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मन लगाया हुआ है इस सराय में, जिस सराय में हमने रुकना नहीं है। आप जानते हैं, अगर हम कहीं दूर मंजिल के लिए निकलते हैं, बहुत दूर है हमारी मंजिल, तो मार्ग में विश्राम के लिए, नव चेतनता नव ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी मकान का किसी होटल का सहारा लेते हैं। पहले समय में सराय हुआ करते थे, उनका सहारा लेते हैं कुछ समय, मानव वहां ठहरता है ताकि पुनः नव ऊर्जा से निर्मित हो सके, पुनः तरोताजा हो सके आगे के सफर के लिए। लेकिन आप इस उदाहरण को जरा गौर से इसकी तरफ ध्यान दीजिए। अगर एक व्यक्ति सराय में या होटल में रुका है कुछ समय के लिए ताकि आगे अपनी यात्रा आरंभ पुनः कर सके, लेकिन वो उस होटल को ही पकड़कर बैठ जाए, उस सराय में ही मन लगा के बैठ जाए, मुझे आगे नहीं जाना, तो क्या होगा? जैसे ही उसके पास पैसे खत्म होंगे तो उसे वहां से जाने के लिए कहा जाएगा। सहजता से अगर वो मानता है तो ठीक है, अन्यथा जबरदस्ती उसे निकाला जाएगा। ठीक यही गति मानव की है। संसार में हम आए हैं, ये एक यात्रा है, एक सफर है, और महापुरुषों ने मानव को मुसाफिर की संज्ञा दी। क्या कहा? मुसाफिर है ये मानव। और मुसाफिर कौन होता है? जो रास्ता तय कर रहा है और उसने पहुंचना है अपनी मंजिल पर। हमारी मंजिल क्या है? हमारी मंजिल परमात्मा को प्राप्त करना है। और ये जीवन काल, ये जीवन काल हमारी यात्रा है और हम मुसाफिर हैं। और अगर हम मुसाफिर होने के पश्चात भी इस संसार के सराय में मन लगा के बैठ जाए, तो एक ना एक दिन वो समय आएगा जब जबरदस्ती हमें यहां से निकाला जाएगा। हमारे जीवन का जिस दिन अंत हो गया, श्वासों की पूंजी जिस दिन समाप्त तो हो गई, उस दिन हमें यहां से चलना होगा। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा, अगर यहां से जाना ही है तो फिर इस सराय में, इस मुसाफिर खाने में मन क्यों लगाना? क्यों ना हम अपना मन प्रभु के श्री चरणों में लगाएं, जहां जाकर के हमने समाना है। इसलिए महापुरुष क्या कहते हैं, आइए लयबद्ध रूप में इन विचारों को भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। ये जग है सराय, चला चल मुसाफिर, ये जग है सराय, चला चल मुसाफिर, ये जग है सराय, चला चल मुसाफिर।
Thank you.
जीवन की सत्यता को प्रदर्शित किया गया। चला चल मुसाफिर, तुम चलते रहो। मानव को चलने के लिए कहा गया, लक्ष्य की ओर उन्मुख होने के लिए कहा गया। लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए कहा गया। हमारा उद्देश्य क्या है, हमें अपना सफर किस दिशा में तय करना है, क्या मंजिल है हमारी, इसका ज्ञान हमें होना चाहिए। आप देखिए, एक मानव जो जीवन जीता है उसे क्या कहते हैं, जीवन काल। और जहां जीवन जीता है बहुत गुण बात है, ध्यान से सुनिए, जो भी जिंदगी जीता है उसे हम कहते हैं जीवन काल। और जहां पर जिंदगी जी जाती है उसे क्या कहते हैं, मृत्यु लोक। अब इन दोनों शब्दों के ऊपर विचार कीजिएगा। ये जीवन काल और ये मृत्यु लोक, इसमें एक समानता है। जीवन के साथ ये जो काल शब्द जुड़ा है, काल का अभिप्राय समय भी होता है और काल का दूसरा अर्थ मृत्यु भी होता है। कहने का तात्पर्य, जो जीवन निरंतर पल प्रतिपल मृत्यु का हमें सामना करवा रहा है, मृत्यु की ओर बढ़ा रहा है, उसे जीवन काल कहते हैं। और मृत्यु लोग, ये संसार, ये दुनिया मृत्यु में विलय होने वाली है, विलीन होने वाली है। यहां प्रतिपल मानव का मृत्यु से परिचय होता है, ये मृत्यु लोग है। जो भी उत्पन्न हुआ ला नहीं सकते। एक बार महात्मा बुद्ध जी के समय एक महिला, उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है, बहुत विलाप करती है, रोती है, लोग बहुत से उलाने भी देने लगे, तुम तो तथागत की शिष्य हो फिर भी तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो गई, अरे जाओ जाकर के अपने गुरु को जाकर के याचना करो, तुम्हारे पुत्र का जीवन लौट आएगा। वह महिला रोती बिलखती हुई तथागत के पास पहुंची, महात्मा बुद्ध जी के चरणों में जाकर के प्रार्थना करने लगी, प्रभु मेरा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया है, आप उसे जीवन दान दीजिए, मैं उसे मरा हुआ नहीं देख सकती, उसे पुनः उसका जीवन लौटा दीजिए। प्रार्थना की तो तथागत मुस्कुराई, बहुत प्रयास किया समझाने का, यह अनिवार्यता है, यह सत्यता है, इससे परिचय पाना होगा, जीवन असत्य है, मृत्यु सत्य है, और इस सत्य को हम अनदेखा नहीं कर सकते। देखिए, महिला समझने का नाम नहीं ले रही, मैं एक ही बात कह रही है, मुझे मेरा पुत्र चाहिए, आप इसे जीवन दान दीजिए, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सामर्थ्यवान हैं।
तथागत, उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम अपने पुत्र का जीवन चाहती हो, जिंदगी चाहती हो, तो जाओ जाकर के किसी भी घर से सरसों के कुछ दाने हथेली पर ले आना, तुम्हारा पुत्र मैं ठीक कर दूंगा। अंततः उसे पता चल गया, उसे बोध हो गया, अपनी भूल का एहसास हुआ और आकर के महात्मा बुद्ध जी के चरणों में गिर पड़ी। रोने लगी, क्षमा याचना की, प्रभु क्षमा कीजिए, सत्य तो ये है कि मृत्यु से कोई भी मुक्त नहीं हो सकता, ये एक ऐसा पाश है जो सभी को बांधता है और आपने मेरा आज इससे परिचय करवा दिया। मुझे कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जहां पर मृत्यु ना हुई हो, इसलिए आप क्षमा कीजिए मुझे, मैंने ऐसी दृष्टता की, मैंने ऐसी अपेक्षा की आपसे, क्षमा कीजिए, जो आप ज्ञान मुझे देना चाहते थे वो ज्ञान मुझे हो गया है। महात्मा बुद्ध जी मुस्कुराए, उन्हें परमात्मा की भक्ति का अनुदान दिया, साक्षात्कार करवाया उनके घट में और वे प्रसन्न चित्त वहां से लौट आए। भक्तजनों, ये दृष्टांत सुनाने का तात्पर्य क्या है कि ये जीवन, इस जीवन की सत्यता क्या है, इस जीवन का रहस्य क्या है। एक ही रहस्य है कि ये जीवन हमें परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है। हम मुसाफिर बन के आए हैं और हमारी मंजिल है परमात्मा को पाना, परमात्मा की भक्ति करना। लेकिन मन इस तन को धारण करने के पश्चात उस परमात्मा को भूल जाता है, अपने वास्तविक लक्ष्य को भूल जाता है, अपने डेस्टिनेशन को भूल जाता है और इसी कारणवश मानव चिंतित, परेशान और दुविधा में रहता है। आप देखिए, एक बच्चा अपने माँ के साथ जब घूमने के लिए बाहर निकलता है, मां कीजिए किसी मेले में गया, बहुत सारे खिलौने हैं, बहुत सारी मिठाइयां हैं, बहुत सुंदर दृश्य है, बच्चे ने अपनी माँ की अंगुली थामी हुई है, तो वे बच्चा चारों ओर देखता है, आनंद लेता है, सभी का बहुत खुश है, कभी खिलखिलाता हुआ, हंसता हुआ माँ से खिलौना मांगता है, तो कभी माँ से याचना करता है कोई मिठाई ले दे, कभी झूले के ऊपर जाने की इज्जत करता है। बच्चा बहुत खुश है सारे दृश्य देख करके, लेकिन एकाएक जब उस बच्चे का हाथ उसकी माँ के हाथ से छूटता है, अगर वो भीड़ में अपनी माँ से अलग हो जाए तो वही बच्चा उसी स्थान पर है, वही खिलौने हैं, वही मिठाइयां हैं, वही सुंदर दृश्य है, लेकिन वो बच्चा रोना बंद नहीं करेगा। अब आप उस रोते हुए बच्चे को भले ही खिलौने दे दें, भले आप उसे मिठाई दे दें, लेकिन वो बच्चा चुप नहीं करेगा, क्योंकि उसकी असली प्रसन्नता कहाँ थी? उसकी असली प्रसन्नता उसकी माँ के साथ में थी, उसकी माँ के सानिध्य में थी। ठीक इसी प्रकार आज इस समाज के अंदर, संसार रूपी मेले के अंदर हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन आप देखिए इनके बीच भी हम रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान रहते हैं।
करते हैं, असंतुष्ट हैं, परेशानी ने हमें घेरा हुआ है। कारण क्या है कि उस परम पिता, उस माता की, उनका सानिध्य, उनका हाथ हमारे हाथ से छूट चुका है। जैसे उस बच्चे का हाथ छूटा तो वो रोने लग गया, ठीक इसी प्रकार हमारा भी साथ हमारे प्रभु के साथ जब विलग्नता होती है हमारी, हमारा साथ उनसे छूटता है, तब हम सब कुछ प्राप्त किए हुए भी अपने आप को अशांत अनुभव करते हैं। इसलिए भक्तजनों, वास्तविक शांति, वास्तविक आनंद, ये केवल और केवल हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में है। और हमारा लक्ष्य परमात्मा की भक्ति है, यह अनिवार्यता है हमारे लिए। लेकिन हम संसार में आकर के इस अनिवार्यता को, इस सत्यता को भूल जाते हैं। यूनान के दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने कहा प्रतिपल ये समय बीत रहा है, ये बहुत तीव्र गति से गतिमान हो रहा है। वे अपने छात्रों को एक उदाहरण देके समझाते हैं, अपने छात्रों को कहते हैं कि क्या आप एक नदी में दो बार कदम रख सकते हो? नहीं, तुम एक नदी में दो बार कदम नहीं रख सकते, क्योंकि दोनों बार में पानी बदल चुका होगा, उसके जल धाराएं बहुत आगे निकल चुकी होगी। जब आप दोबारा कदम रखेंगे तो पानी और होगा, सब कुछ बदल चुका होगा। ठीक इसी प्रकार समय का प्रवाह है, ये समय का प्रवाह इसी प्रकार गतिमान होता है, ये किसी के लिए ठहरता नहीं है, किसी के लिए रुकता नहीं है। आज हम कहते हैं कि प्रभु की भक्ति के लिए अभी तो बहुत समय पड़ा है। बहुत से लोग कहते हैं अभी तो बहुत कुछ हासिल करना है, ये पाना है, वो पाना है। इंसान बेहताशा दौड़ रहा है। अगर महापुरुषों के द्वारा कभी ऐसे मौकों के ऊपर इस बात का ज्ञान भी होता है कि जीवन व्यर्थ है उस परमात्मा को पाए बिना, तो हम साधारण से शब्दों में कह देते हैं अभी तो बहुत समय है। लेकिन भक्तजनों, हमारे महापुरुष कहते हैं एक क्षण की भी हम गारंटी नहीं दे सकते, एक क्षण के बारे में भी हम दावा नहीं कर सकते। हम वर्षों की योजनाएं बनाते हैं, वर्षों की, इस वर्ष ऐसा करेंगे, उस वर्ष ऐसा करेंगे, 5 साल बाद ये योजना है। अरे एक पल की खबर नहीं, हम कितने वर्षों की योजनाएं बना रहे हैं। महापुरुषों ने कहा सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, मां बाप बहन बीबी बच्चे छूट जाएंगे, ये समाज, ये संसार की सत्यता, इसकी वास्तविकता क्या है? सांस का एक धागा टूटा तो सब कुछ छूट जाएगा, सब कुछ विलय हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ये श्वास जो हमारे आ रही है, महापुरुषों ने कहा आदमी किसे कहते हैं? आ दमे, दम आया तो आदमी है, नहीं आया तो कुछ भी नहीं। हमारे ये जो प्राण चल रहे हैं, ये जो हमारे भीतर श्वास चल रही है, ये बहुमूल्य पूंजी है जो परमात्मा ने दी है, जिसे हम यूं ही नष्ट गवा रहे हैं। इसलिए तो महापुरुषों ने कहा कि आप अतिशीघ्र प्रभु की भक्ति कीजिए। उन्होंने कहा
ये समय बारंबार नहीं मिलने वाला है। आप अति शीघ्र इसकी ओर कटिबद्ध हो जाइए, इस लक्ष्य की ओर उन्मुख हो जाइए, क्योंकि ये बारंबार नहीं मिलेगा। महापुरुष तो यहां तक कहते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय आएगी बौरी करेगा कब। अरे मानव, ये जीवन बहुत बहुमूल्य है, अति तीव्र प्रवाह से ये प्रवाहित हो रहा है। तू सोचता है कल भक्ति हो जाएगी, परसों हो जाएगी, फिर हो जाएगी, तो वे कहते हैं अभी कर लो, जिस काम को कल पर छोड़ा है उसे इसी क्षण संपन्न करो, क्योंकि एक क्षण का भी भरोसा नहीं है, एक पल के लिए भी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मानव ने तो इस दोहे को ही उल्टा कर दिया। हम लोग तो कुछ समय के लिए जब ऐसी शोक सभाओं में सम्मिलित होते हैं, अवश्य इस बात के लिए हम हां में हां मिलाते हैं कि ये जीवन तो ऐसे ही है, एक दिन नष्ट हो जाना है, जीना तो झूठ है और मृत्यु सत्य है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन जैसे इससे बाहर निकलते हैं, इस प्रांगण से बाहर गए, तो फिर से इस बात का आश्वासन मन में रहता है कि नहीं, मुझे तो बहुत टाइम मिला है, मेरे पास तो बहुत समय है। लेकिन भक्त जनों, वास्तव में हमारे पास कोई भी समय नहीं है। महापुरुष ने कहा, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, जो कल पर छोड़ा है उसे अब कर ले। लेकिन मानव ने इस दोहे को ही उल्टा कर दिया। वे क्या कहता है, वे कहते हैं आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है, जब जीना है परसों। मानव कहते हैं इतनी जल्दी क्या है, अभी तो परसों जीना है। लेकिन भक्त जनों, याद रखना, सूक्ष्मता से अपनी जिंदगी की ओर दृष्टिपात करके देखिए, जिंदगी की परिभाषा, जीवन की सत्यता आपको स्वयं प्रदर्शित हो जाएगी। आप देखिए, हम समय लगा करके बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर देते हैं, समय के साथ हम बड़े बड़े महल बना लेते हैं, लेकिन सारे महल देख करके भी एक क्षण मानव अपने लिए खरीद नहीं सकता, एक पल नहीं खरीद सकता। समय लगा करके हम संपत्ति अर्जित करते हैं, धन कमाते हैं, लेकिन सारा धन धन वैभव देकर के भी हम एक क्षण अपने लिए जिंदगी का और बढ़ा नहीं सकते। समय के साथ साथ हमारा कुटुंब, हमारा परिवार, वो विस्तृत होता है, बड़ा होता है, पुत्र है, पुत्र के बाद पौत्र हो जाते, फिर पड़पौत्र, समय के साथ ये परिवार, ये कुटुंब बड़ा। लेकिन इतने बड़े कुटुंब, इतने बड़े परिजनों के साथ भी हम अपने लिए एक भी क्षण जिंदगी का और अधिक जी नहीं सकते, कितनी विडंबना है। विवेकानंद जी कहते हैं कि जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, कुछ लोग तो इसमें नई राहें खोज लेते हैं, इसे उचित दिशा की ओर गतिमान करते हैं, और ये सागर रूपी लक्ष्य में जाकर के स्वयं सागर रूप हो जाता है, और कुछ लोग इसकी दिशा जो है मरुस्थल की ओर मोड़ देते हैं, जो अपना अस्तित्व ही खो बैठते हैं। इसलिए भक्तजनों, हमें जीवन की वास्तविकता को समझना है, जीवन की सत्यता को जानना है। अगर सत्यता की बात करें कि सच्चाई क्या है, हम कौन है, तो जवाब बनता है अपना परिचय, भौतिक परिचय।
मेरा नाम ये है, मैं इस स्थान पर रहता हूँ, ये मेरा एड्रेस है। लेकिन भक्तजनों, क्या ये हमारी वास्तविक पहचान है, ये हमारा परिचय है? बिल्कुल नहीं। अब आप एक बात पर विचार कीजिए, ये परिचय हमारा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हमें जन्म मिला तब हमें नाम दिया गया, तब हमें घर मिला, परिवार मिला, एक पहचान मिली। लेकिन जन्म से पहले भी हम थे, तब हमारी क्या पहचान थी? तब हमारा नाम क्या था? तब हमारा परिचय क्या था? और मृत्यु के पश्चात हमारा नाम, हमारा परिवार, हमारी पहचान यही रह जाएगी? फिर क्या सत्ता है, कौन सी शक्ति जो निकल कर आगे गई है, उसका परिचय क्या था? ये नाम, जिस शरीर का नाम था, जिस तत्व को हम पहचानते थे। और जब हम परमात्मा के ही अंश हैं,
तो हमारा परम सुख परम आनंद केवल और केवल प्रभु की भक्ति में ही हो सकता है, अपने परमात्मा से मिलने से ही हो सकता है। और उन्हें मिलकर के मन की तमाम दुविधाएं, मन का तनाव जो प्रत्येक मानव कहीं ना कहीं अनुभव करता है, स्ट्रेस को महसूस करता है, नेत्र को इस थर्ड आई को हमारे जो पूर्ण सदगुरु जिसे तत्वेता ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष भी कहते हैं, वो मस्तक पर हाथ रख करके इसे खोल देते हैं और हम अपने भीतर उस परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। इसलिए विवेकानंद जी, आपने उनका लिटरेचर पढ़ा होगा, युवा सन्यासी हमारे भारत के हुए हैं, उन्होंने भी कहा है, इफ देयर इज गॉड वी मस्ट सी हिम, इफ देयर इज सोल वी मस्ट परसीव इट। अगर परमात्मा है तो उसका साक्षात्कार कीजिए, क्योंकि उसे जानने के लिए ही जीवन मिला है। आत्मा का अस्तित्व है तो उसकी भी अनुभूति होती है। इसलिए भक्तजनों, उस परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए हमें ये मानव तन मिला है, ये नर्तन मिला है, और गुरु हमारे जीवन में आकर के इस ब्रह्म ज्ञान को हमें प्राप्त करवाते हैं। ब्रह्म ज्ञान का तात्पर्य है ब्रह्म माने जो ब्री धातु से निष्पन्न हुआ है, जिसका भाव है सर्वव्यापक परमात्मा, और ज्ञान जो गे धातु से निष्पन्न हुआ है, इसका भाव है जानना, उस परमात्मा को जानना। इसलिए उस परमात्मा को जानने का ये ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान एक गुरु अपने शिष्य को देता है और तदुपरांत मानव जीवन का मनोरथ सिद्ध होता है, मानव जीवन का हेतु पूर्ण होता है। इसलिए प्रत्येक जीवात्मा को अपने जीवन के हेतु को प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए, ऐसे तत्वेता महापुरुष के शरण में जाकर के अपने उस ब्रह्म ज्ञान को जो सनातन है, पुरातन है, सार्वभौमिक है, उसे प्राप्त कर अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। और यही प्रेरणा हमारे आर्ष ग्रंथ हमें देते हैं, और हम आशा करते हैं कि आप इन विचारों को अपने जीवन में धारण कर अपने ध्येय की ओर, अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख होंगे और अपने जीवन को सुखद और शांतमय बनाएंगे। और आइए अब प्रभु के श्री चरणारविंदों में जय घोष उपलब्ध करते हैं। आइए हम सभी अपने कंठ से उच्चारित करते हैं, पूरा करूंगा। सबसे पहले तो मैं ही कहूंगा कि बलदेव अग्रवाल जी की जो पर्सनैलिटी थी, उनकी जो विल पावर थी, उसका कोई सामने नहीं था। लुधियाना अग्रवाल कोऑपरेटिव सोसाइटी के वो फाउंडर थे लाला पूर्णचंद गुप्ता जी के साथ, और हमारे वहाँ के प्रधान भी हैं, साथ साथ वो डगोर पोल स्कूल और जितनी भी संस्थाएं हमारे श्री रघुनाथ मंदिर है, शिव मंदिर है, उनके साथ जुड़े हुए थे, और श्री रघुनाथ हॉस्पिटल के सेक्रेटरी मेंबर थे। खाली मेंबर होना ही एक अलग बात है, लेकिन उसमें अपना समय देना एक दूसरी बात है। मुझे याद है अग्रवाल सभा शिवाला रोड पे, जहाँ पे अग्रवाल धर्मशाला भी है, उन्होंने 40 साल से मैं देख रहा हूँ, उन्होंने इतनी सेवा उस अग्रवाल सभा की है कि शायद उसका कोई सानी नहीं है। कभी किसी लड़के की लड़की की शादी के बारे में कोई चर्चा हुई हो तो ये बलदेव जी सबसे आगे होते थे कि उनका हमेशा योगदान हमेशा ही रहा है। तो उनके परिवार में उनकी पुत्र वधु मंजू जी और पुत्र सुमंत अग्रवाल जी, पुत्र वधु कविता जी और प्रमोद अग्रवाल जी, और पोत्र दीपांशु अग्रवाल और ईशान अग्रवाल जी, और
बेटियां और दामाद श्री प्रवीण पति और विनय अग्रवाल जी, श्रीमती अनीता जी और अशोक गुप्ता जी, श्रीमती गीता हरीश अग्रवाल जी और पुत्र बेटियां सजुला और कुणाल खुराना जी, इनायत और नीतीश गर्ग जी, समृद्धि जी और आशीष मिगलानी जी, ये सभी परिवार के सदस्यों को उनके जाने का जो दुख हुआ है वो मैं तो आपको बयान नहीं कर सकता, लेकिन हम जो आपके यहाँ पे जितने भी परिवार के लोग के अलावा उनके दोस्त रिश्तेदार बैठे हैं उन सभी को उनके जाने का बहुत ही दुख हुआ है। तो कुछ कंडोलेंस मैसेज, शोक प्रस्ताव लुधियाना अग्रनगर की तरफ से उनके प्रधान श्री राजीव सिंगला का प्रस्ताव आया है, लुधियाना धर्मशाला कमेटी चिंतपूर्णी के उसके भी प्रतिनिधि हमारे मेंबर थे, श्री राजेश अग्रवाल जी उनके प्रधान और रतन गुप्ता जी जनरल सेक्रेटरी की तरफ से कंडोलेंस मैसेज आया है। नौरियामल जैन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, श्री नौरियामल जैन स्कूल के प्रधान जी की तरफ से आया है, नौरियामल जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज एंड गर्ल्स दोनों की तरफ से कंडोलेंस मैसेज आया है, श्री वेद प्रकाश जैन प्री हॉस्पिटल ट्रस्ट उनके प्रधान बलदेव राज जैन जी की तरफ से शोक समाचार शोक पत्र आया, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पंजाब प्रदेश इकाई श्री सुरेंद्र गुप्ता जी की तरफ से शोक प्रस्ताव आया है, अग्रवाल सभा अग्रवाल शिवाला रोड की तरफ से श्री महावीर प्रसाद जी की तरफ से शोक संदेश आया है, प्रदेश पंजाब प्रदेश कांग्रेस सम्मेलन श्री राजेश अग्रवाल जी की तरफ से शोक प्रस्ताव आया है, श्री दुर्गा माता मंदिर नजदीक जुगरावपुर श्री बलबीर कुमार गुप्ता जी की तरफ से शोक प्रस्ताव आया है, विश्व जागृति मिशन रजिस्टर श्री आरसी गुप्ता के प्रधान जी की तरफ से शोक प्रस्ताव आया है, वर्तमान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल श्री संजीव जैन जी की तरफ से शोक प्रस्ताव आया है, अग्रवाल प्रतिनिधि सभा रजिस्टर श्री महावीर प्रसाद जी की तरफ से शोक संदेश आया है, कृष्णा नगर वेलफेयर सोसाइटी प्रधान श्री अशोक कपूर जी की तरफ से शोक संदेश है, श्री नव दुर्गा मंदिर ट्रस्ट के प्रधान की तरफ से शोक प्रस्ताव है, स्मॉल स्केल हौजरी व्यापार मंडल श्री अनीश डावर जी की तरफ से शोक प्रस्ताव है, संवेदना ट्रस्ट की तरफ से उनके चेयरमैन श्री सुभाष गुप्ता जी की तरफ से शोक संदेश है, लोक इंसाफ पार्टी श्री विपिन सूद काका जी की तरफ से शोक संदेश है, यंगस्टर्स वेलफेयर सोसाइटी केवल बुद्धि राजा जी की तरफ से शोक संदेश है, भारतीय जनता युवा मोर्चा पंजाब की तरफ से एक शोक संदेश है, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पंजाब प्रोफेसर पी के बांसल जी की तरफ से शोक संदेश है, सुंदर नगर हौजरी वेलफेयर एसोसिएशन समूह सदस्यों की तरफ से शोक संदेश है, माता चिंतपूर्णी सेवा कमेटी की तरफ से उनके चेयरमैन श्री सुदर्शन कुमार अंकल जी की तरफ शोक संदेश है, श्री रघुनाथ मंदिर सोसाइटी अग्रनगर की तरफ से शोक संदेश है, इसके अलावा अलैचीगिरी मंदिर सनातन धर्म महावीर दल सत्यनारायण मंदिर इनकी तरफ से भी शोक समाचार आए हैं, शिव वाटिका की तरफ से भी शोक प्रस्ताव आया है श्री अजय मेहता जी की, लोधी क्लब लुधियाना की तरफ से श्री जगमोहन कृष्ण जी जैन की तरफ से शोक प्रस्ताव आया है, लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज एंड कैपिटल लिमिटेड की तरफ से भी शोक
संदेश आया है वो हमारे धर्मयानी के अलावा सभी जनमन हमारे साथ में हैं। श्री प्रवीण बांसल जी एक्स प्रेजिडेंट बीजेपी लुधियाना श्री अपने चरणों में स्थान दें और उनके परिवार को इस दुख से सहने की शक्ति दें। धन्यवाद। जीवन में बहुत ही दान पुण्य आदि कोई भी ऐसा कर्म नहीं होता ना कि भगवान के भाव को सब भावों को जैसे कहते ना हम लोग भगवान के चरणों को प्राप्त करना हो प्रभु की भक्ति को प्राप्त करना हो तो उनके दास बन जाओ। ठीक उसी तरह उन्होंने उसी प्रकार घर पे जो गरुड़ पुराण की कथा रखी उनके पुत्र और पुत्र वधु सभी ने सुमंत अग्रवाल जी और प्रमोद जी सभी ने बड़े भाव से गरुड़ पुराण का पाठ श्रवण किया। कहते हैं अगर गरुड़ जी का पाठ गरुड़ जी की कथा भाव से कोई भी पुण्य आत्मा सुन ले तो उस पुण्य आत्मा को भगवान अपने चरणों में स्थान गरुड़ पुराण के आखिरी श्लोक में बताया गया है स्मरणानाम दुर्गति हर्ता पूज्य कि हे देवाधिदेव नाथ प्रभु आपने अमृत वचन सुनाकर भव सागर से उद्धार किया और मेरे संदेश को भी पूर्ण किया जिसके स्मरण मात्र से दुर्गति दूर हो जाती है पूजन के योग्य से सदगति को देते हो हे भगवान जी हे प्रभु आपने इस कथा के श्रवण से मेरे शरीर को उद्धार किया और वह हरि भगवान के चरणों में स्थान विलीन होकर उनके चरणों को प्राप्त करके उनके धाम को प्राप्त गर्व प्राण की महिमा भी बहुत हो गया जो उसे भी सुनता है या सुनाता है दोनों यदि पापाचारी भी हो भगवान उसे अपने धाम को प्राप्त ज्यादा समय ना लेते हुए समय का भाव भी देखना पड़ेगा भैया। आइए कहते हैं तीन बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करें और साथ ही भगवान श्री हरि से यह भी प्रार्थना करें कि हे प्रभु श्री हरि यह जो तीन बार हम गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं इसका पुण्य प्रभाव इस दिवंगत आत्मा को प्रदान करें और उन्हें आप अपने चरणों में स्थान देकर मोक्ष रखें। आइए तीन बार मिलकर गायत्री मंत्र का उच्चारण ॐ भूर्भुवस्वः तस्य विभूर्वरेण्यं भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तस्य विभूर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् पकड़ी और साथ साथ भगवान की आरती और परिवार वालों की तरफ से विशेष निवेदन की द्रव्य रूपी शब्द कोई ना दे केवल
आशीर्वाद रूपी ही सबर देखें। चंद्र पावी दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति करे आमी, सुख संपत्ति करे आमी, कष्टनी दे तनिका, ओम जय जगदीश हरि, पास पिता हरि बिन